पुलिस थाने में पदस्थ आरक्षकों ने दबंगों के कहने पर दलित की बर्बरता से की पिटाई। खेत में भैंस जाने से नाराज थे दबंग। कल आपके साथ पति के साथ मारपीट का मामला आया, क्या मामला था, क्या हुआ था पूरा? हम अंदर गए इनसे मिलने के लिए, थराई विनती करके सुबह ने इनके कपड़ा उतरा के पूरे और मारे हमने बहुत, कई बार छोड़ दो हमारे पति को मारो, नहीं बिन्ने नहीं मानी हमारी कुछ और मार दी खूब जोर से। कौन से थाने का मामला है? दातपुरा। कितने लोगों ने मारपीट की थी? तीन जने आते, दो खड़े थे और वे विवेक खड़े थे, उनका बोलू खड़ा था ब्राह्मण का लड़का, उनके सामने खुद गई। विवाद क्या हुआ था, क्या विवाद, किस बात को लेकर? कछु नहीं है तो विवाद, वह भैंस चरा रहे थे हम वहीं अपने खेत पे, सुबह के खेत में भैंस पहुंच गई। किसके खेत में? रामजी लाल के खेत में जी। सुबह हमको मारवे को द्वारे हमें पटक पटक उदय सम चिल्ला परे समा आदमी यहाँ लौट के उठे से भाग गए। सुबह नंगे आ गए 10-15 जने मारवे को, सुबह भाग गए। फिर रात पर थाने पर लगा लिया, रिपोर्ट कर दई, सोना मार दई सुर जबरदस्ती, बोले राजीनामा करो नहीं हम जेल करवा दें तुम्हें, पैसा उठ भर के हम। सर का एक मामला आया चिरावली गांव का, जहां दबंगों ने दलितों के साथ मारपीट की है, इसके बाद पुलिस ने भी मारपीट की है, तो आपके नॉलेज में मामला आया और क्या कार्रवाई कराई जा रही है? भिंड जिले के थानों में तालिबानी राज स्थापित हो चुका है, पूरा पुलिस प्रशासन थाने के थाना प्रभारी रेत माफियाओं से मिलकर और जायता समाज में जो आतंकवादी लोग हैं उनके संरक्षण से गरीब लोगों पर अत्याचार ढा रहे हैं। गांव चरावली थाना राजपुरा के तहत ज्ञान सिंह बघेल नाम के हमारे पार्टी के कांग्रेस के कार्यकर्ता, जिनकी पत्नी भैंसे चरा रही थी, उनको पकड़ के ले गए और आतंकवादियों के साथ जिनमें जिनके नाम रामजी लाल दुबे प्रभावशाली लोग हैं उनके सामने मार बघेल को, ज्ञान सिंह बघेल को नंगा करके बेरहमी से लाठियां बरसाई, जिससे उनके बहुत बुरी तरह से घायल हो गए हैं। और पत्नी जब गड़गड़ाती रही कि मत मारो, तो उसके साथ भी धीना झपटी करके उसको परेशान किया, धक्का मुक्की की और ज़बरदस्ती कार्रवाई में लिखित में भय की वजह से लोगों से लिखित में लिखा लिया कि हमारा कोई अपराधी, राजीनामा करो, राजीनामा करा है। इस प्रकार का आतंक पूरे भिंड जिले के थानों में चल रहा है, पूरा प्रशासन आतंक के गिरोह में आ चुका है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैंने निर्णय लिया है सब साथियों से मिलके, अगर शीघ्र ही पुलिस अधीक्षक और प्रशासन दोषी आरक्षकों के को निलंबित नहीं करता, उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं करता, तो 19 सितंबर 2021 दिन रविवार के दिन कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता राजपुरा थाने का घेराव करेंगे।